बसमीम्असल दिस इज़ डॉक्टर रुकैया फ़ारूक इंस्ट्रक्टर ऑफ दिस फिजियोलॉजी क्रैश कोर्स आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू एंड दिस प्लेटफॉर्म एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल सो दिस इज़ द डी टू ऑफ आर फिजियोलॉजी क्रैश कोर्स. अच्छा आप कल का एक विकसा रिव्यू ले लेते ले हैं कि कल हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी तो कल की क्लास में हमने बात की थी ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट के हवाले से ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट का टॉपिक हमने स्टार्ट लिया था जिसमें हमने इंडिविजुअली बात की थी आर की डब्ल्यू की प्लाज्मा की और प्लाज्मा फेरेसिस की नाउ इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एड्स एंड ब्लड कॉपोलेशन सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेटिलेट्स की जर्नल स्ट्रक्चर और डेफिनेशन की सो प्लेटिलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है इसके अलावा प्लेटिलेट्स एक ऐसे आ, जो है वो एलिमेंट्स होते हैं जो स्मॉल होते हैं कलरलेस होते हैं और दे डोंट कंटेन न्यूक्लियस फिर अगर हम इसकी शेप की बात करें तो प्लेटिलेट्स के डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं नैक दे कैन बी स्पेरिकल रॉड शेप्ड ओवन डिस्क शेप या फिर समाइम्स जो है इसके uh, दूसरे अदर अनयूजल शेप्स भी हो सकते हैं अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लेटिलेट की स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन माइक्रो माइक्रोटिव्यूज़ एंड साइटोप्लाज्म। अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं दो चीज़ें जो फंक्शनली इम्पॉर्टेंट होती हैं ठीक है थीके? हम बात करेंगे उन दो कंपोनेंट्स की जो फंक्शनली इंपॉर्टेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर द फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये जो नॉर्मल हमारी एंडोथीलियम होती है ना उस पर यह प्लेटलेट की एग्रीगेशन को प्रिवेंट करता है या एडहरेंस को प्रिवेंट करता है ठीक है क्योंकि प्लेटिलेट्स आर सपोज टू एडियर विद द डैमेज एंडोथीलीयम ताकि वो क्या कर सके ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सके और क्लॉट वहाँ पर फॉर्म कर सके बट ये जो है वो हमारी नॉर्मल एंडोथीलियम पर अडेयर ना हो और क्लॉट फॉर्म ना करे और उस चीज़ को कौन प्रिवेंट कर रहा होता है ग्लाइको प्रोटीन प्रिवेंट कर रहा होता है इसके अलावा जो दूसरी हमने बात की वो है फॉस्फोलिपिड्स तो फॉस्फोलिपिड्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर उनका रोल ये होता है कि जितने भी क्लॉटिंग रिएक्शंस प्लेटिलेड्स ने परफॉर्म करने होते हैं उसको ये एक्सेलरेट कर रहा होता है या इनहेंस कर रहा होता है या प्रोमोट कर रहा होता है ठीक है इसके बाद जो सेकेंड हमने बात की स्ट्रक्चर के हवाले से कि सेकेंड जो है वो चीज़ क्या प्रेजेंट होती है प्लेटलेट के अंदर देट वॉज माइक्रोटिब्यूल अब माइक्रो माइक्रोटिब्यूल जो है ये आ, एक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है दैट इज़ कॉल्ड टिब्यूलिन टिब्यूलिन का जो काम होता है वो ये होता है कि प्लेटलेट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करे अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी जो है वो चीज़ें चीज़े प्रेजेंट होती हैं लाइक द साइटोप्लाज्म कंटेन कॉन्फ्रिक्टाइल प्रोटीन्स ठीक है डिफरेंट प्रोटीन्स जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं लाइक कॉन्फ्रिक्टाइल प्रोटीन्स वॉन बिलब्रिन फैक्टर फिब्रेन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर प्लेटीनेट एक्टिवेटिंग फैक्टर विट्रोनाइक्रेन एंड थ्रोम्बोस्पॉन्डन दीज ऑल प्रोटीन्स प्ले देयर रोल इन द क्लॉटिंग प्रोसेस ठीक है हर किसी का जो है वो क्लॉटिंग में अपना एक रोल होता है इसके बाद साइटोप्लाजम के अंदर हमारे पास दूसरी आ, जो है वो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं लाइक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एडीनोसिन ट्राइफ है, एंजाइम इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाजम ऑफ प्लेटिलेट इसके अलावा हार्मोनल सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं लाइक एड्रीन सीरोटोनिन हिस्टामिन इसके अलावा हमारे पास जो अदर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक ग्लाइकोजन कैल्शियम कॉपर मैग्नीशियम आयरन दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लेटिलेट तो ये हमने बात कर ली सिंपल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस की जिस तरह हमने आर की फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल वेरिएशन को डिस्कस किया था तो इसी तरीके से हम प्लेटिलेट्स की वेरिएशन को डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं बेटा जिसके अंदर प्लेटिलट का काउंट अगर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वो फिजियोलॉजिकल होता है यानी कि वी विल कंसिडर इट्स नॉर्मल तो हमें ये वाली चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए तो सबसे पहले इसके अंदर जो फैक्टर आता है ये होता है एज इन्फेंट्स के अंदर प्लेटिलट काउंट जो है वो हमारे पास लेस होता है एज़ कंपेयर टू एडल्ट ठीक है और इसको नॉर्मलाइज होने में थ्री मंथ्स लगते हैं तो ये बात याद रखनी है कि इन्फेंट्स में प्लेटिलेट काउंट क्या होगा डिक्रीज होगा एंड द सेकेंड फैक्टर इज़ हाई एल्टीट्यूड आर की जब हमने बात की थी वेरिएशन की हमने डिस्कस किया था पोलिसाइथीमिया को जिसके अंदर हमने फिजियोलॉजिकल वेरिएशन के अंदर हाई एल्टीट्यूड को भी डिस्कस किया था हाई एल्टीट्यूड में क्या हो रहा था आर का काउंट इंक्रीज़ हो रहा था सी एम गोस फॉर प्लेटिलेट हेयर प्लेटिलेट का काउंट जो है वो हाई एल्टीट्यूड में इंक्रीज़ होगा फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन की तो अब कौन सी ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें प्लेटलेट का काउंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है उनको हम आ, उसके लिए हम क्या टर्म्स को यूज़ करते हैं कौन सी टर्म्स को यूज़ करते हैं सो द फर्स्ट इज़ थ्रम्बोसाइटोपिनिया थ्रम्बोसाइटोपिनिया का मतलब ये होता है कि प्लेटलेट काउंट हमारे पास डिक्रीज़ है कम है थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि प्लेटिनेट काउंट जो है वो हमारे पास इंक्रीज है नाउ नाओपैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर जब प्लेटिनेट का काउंट इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज होता है तो उसकी डिफरेंट जो है ना वो रीज़न्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रोम्बोसाइटोपीनिया का जो रीज़न uh, होता है इट कुड बी बिकॉज ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन इसके अलावा कोई कैंसरस कंडीशन है चिकन पॉक्स स्प्लिनो मिगैनी या फिर ए प्लास्टिक परनिशियस एनीमिया है इन सारी कंडीशनस के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपीनिया जो है वो हो सकता है इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोसिस यानी कि अब इंक्रीज इन प्लेटिलेट काउंट कौन सी कंडीशन में होगा तो इसकी एग्जाम्पल्स है एलर्जिक रिएक्शंस या फिर बॉडी के अंदर कोई बोन फ्रैक्चर हो गया है स्प्लेनेक्टोमी है या त, मतलब स्प्लीन को जो है वो रिमूव कर दिया गया है तब भी हमारे पास क्या होगा प्लेटिलेट काउंट इंक्रीज होगा इसके बाद प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो प्लेटिलेट की जो है वो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं यू कैन इजीली रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज़ बाय रिमेंबर थ्री एज ठीक है द फर्स्ट इज़ एडिजनेस सेकेंड इज एग्रीगेशन एंड थर्ड इज एग्लियूटिनेशन अच्छा एडेरस में ये होता है कि प्लेटिलेट्स के अंदर एक जो है प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो रफ़ जो सरफेस होती है ना एंडोथीलियम की उस पर वो जाकर स्टिक कर सके अब ये प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है जब इसके अंदर होगी तभी ये जो है वो एंडोथीलियम से स्टिक करेगी और वहाँ पर क्लॉटिंग का प्रोसेस होगा तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ एडेसिवनेस यानी कि जो एंडोथीलीम की रफ सरफेस है वहाँ पर जाकर प्लेटलेट जो है वो स्टिक हो जाती है ये इसकी प्रॉपर्टी है इसके बाद एडिसिवनेस के बाद यानी कि प्लेटलेट की एडियर हो जाने के बाद क्या होता है कि एग्रीगेशन होती है अब जब प्लेटिलेट जो है वो किसी सरपीस सरफेस पर जाकर अडेर हो जाती हैं तो ये ऑटोमेटिकली किस चीज़ को प्रमोट कर रही होती हैं एक्टिवेट कर रही होती हैं एग्रीगेशन है, के प्रोसेस को मीनस के अब दूसरी जो प्लेटिलेट्स हैं वो भी वहाँ पर जाकर क्या करेंगी एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगी इसके बाद एग्रीगेशन के बाद जो प्लेटिलेट्स हैं उनमें से डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं फॉर एग्जाम्पल एग्लियोटेनस और प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जिनकी वजह से क्या होता है कि जो प्लेटिलेट वहाँ पर एग्रीगेट हुई थी एंडोथीलियम पर वहाँ पर वो क्या करेंगी बनाना शुरू कर देंगी ठीक है तो ये तीनों जो है वो प्लेटिलेट की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बाद अगर हम बात करते हैं फंक्शंस की तो फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है इसके अलावा ब्लड लॉस को प्रिवेंट करती है इसको हीमोस्टेसिस को हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे ब्लड काबुलेशन के अंदर कि किस तरीके से प्लेटिलट्स का जो है वो इसके अंदर रोल होता है कोई भी इंजरी हो गई कोई भी ट्रामा हो गया तो अब हमारी बॉडी को अल्लाह ताला ने इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि बॉडी सबसे पहले तो ख़ुद उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है तो इसी जो है कंपेंसे मेकानिज्म के तहत क्या करती है प्लेटिलेट जो है वो हीमोस्टेसिस के प्रोसेस के थ्रू ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर रही होती है इसके अलावा जो नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर ब्लड वेसल रप्चर होते रहते हैं या फिर वैसे भी अगर कोई इंजरी हो गई कोई कट लग गया तो उसके अंदर भी जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड वेसल्स के रिपेयर के अंदर रोल प्ले कर रही होती हैं डिफेंस मेकानिज़म के अंदर इसका रोल इस तरीके से है कि प्लेटलेट जो है वो कोई भी फॉरेन बॉडी है आपके पास ठीक है इसके सराउंडिंग में ये एक ग्रिप बना लेती हैं और उस तरीके से ये फ़ॉरन बॉडी को क्या कर देती हैं डिस्ट्रॉय कर देती हैं अच्छा आप फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स को हमने डिस्कस कर लिया अब हम बात करते हैं हीमोस्टेसिस की हीमोस्टेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करता है ठीक है जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ब्लड वेसल रप्चर हो गई है आइदर वो छोटा रपच्चर हो या कोई बड़ा ट्रामा हो इंजरी हो तो उस केस में क्या होता है कि हीमोस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट होता है और जो ब्लड लॉस है उसको प्रिवेंट किया जाता है अब हीमोस्टेसिस की थ्री स्टेजेस होते हैं इसकी फ़र्स्ट स्टेज में आता है हमारे पास वेस्कुलर कॉन्सफ्रिक्शन विच इज़ ऑलसटो कॉल्ड तो एज वेजो कॉन्सफ्रिक्शन इसके अंदर होता क्या है कि इमिजिएटली जब इंजरी होती है तो उसके फ़ौर बाद ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वहाँ का ब्लड फ्लो है वो कम होता है कम होने की वजह से जो ब्लड लॉस है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास कम हो जाएगा इसके अलावा जो सेकेंड फिनमिना uh, यहाँ पर होता है वो ये होता है कि एंडोथीलियम जो है वो डैमेज हो जाती है ब्लड वेसल की जब भी कोई इंजरी होती है और कोलेजन जो है वो एक्सपोज हो जाता है अब प्लेटलेट्स जो है ये हमारी कोलेजन पर आकर बाइंड करती हैं या एडेयर होना शुरू हो जाती हैं एडियरेंस के बाद ये क्या करती हैं ये सीरोटोन और वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस को रिलीज़ करती हैं जिसकी वजह से मज़दीद जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब हम समझ सकते हैं कि ये सुकड़ जाती हैं सुकड़ने की वजह से जो ब्लड का वहाँ पर फ्लो होता है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से जो ब्लड लॉस हो रहा है वो कम हो जाएगा इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड स्टेज है वो है प्लेटिलेट प्लब फॉर्मेशन इसका मेकेानस हम आगे डिस्कस करेंगे Uh, इसको डिटेल में और थर्ड जो है ये हमारे पास आता है प्रोसेस कोक्यूलेशन ऑफ ब्लड इसको भी हम आगे जो है वो इसके मेकेानिज़म को भी देखेंगे अच्छा इसके बाद जो हीमोस्टैटिक कैसेड होती है ना ये हेमरेज को कंट्रोल करती है और एक प्रोटेक्टिव मेकेानिज़म है लेकिन समाइम्स जो हमारी बॉडी के फिजिजिकल मेकानिज़म्स होते हैं ये अब जो है होना शुरू हो जाते हैं यानी कि एक बगैर आ, किसी ज़रूरत के हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि पैथोलॉजिकल कंडीशन जो हैं वो बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएंगी तो सेम यहाँ पर ये यह होता है कि सम टाइम्स पैथोलॉजिकली ये प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है जबकि ना ब्लड वेसल के अंदर कोई इंजरी होती है और ना कोई ब्लड लॉस होता है अब इसकी वजह से क्या होता है कि एक पैथोलॉजिकल फिनमिना हमारे पास होता है दैट इज़ कॉल्ड थ्रोम्बोसिस इसकी वजह से डिफरेंट कॉम्प्लिकेशनस आते हैं आप खुद सोचें कि जब किसी ब्लड वैसेल के अंदर बगैर किसी ज़रूरत की प्लेटिलेट एडहेरेंस होगी क्लॉट फॉर्मेशन होगी तो वो ब्लड वैसेल का जो एरिया है यानी कि वहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा यानी कि ब्लड फ़्लो में वहाँ पर क्या आ जाएगी रुकावट आ जाएगी जिसकी वजह से जो ब्लड वैसेल है मतलब जिस एरिया के अंदर वो अपना ब्लड ट्रांसफ़र कर रही है उस एरिया में अगर सही से ब्लड फ़्लो ही नहीं होगा ब्लड वहाँ पर पहुँचेगा ही नहीं तो उस एरिया के अंदर क्या हो जाएगा स्कीमिया हो जाएगा और इन्फार्क्शन भी हो सकता है यानी कि जो टिश्यूज़ हैं वो हमारे पास डैमेज हो जाएंगे और हाइपोक्सिया की कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाएगी और ये जो आ, हमारे पास फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जब भी पैथोलॉजिकल प्रोसेसिस में कन्वर्ट होते हैं जिस तरीके से इसकी हमने बात की तो ये मॉरबिलिटी और मोरटैलिटी इस इन दोनों चीज़ों को जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हो सर अब आता है हमारा सेकेंड मेकेानिज़म फर्स्ट मेकेानिज़म हमने डिस्कस कर लिया दैट वॉज डेजो कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर वेस्टुलर कॉन्स्ट्रिक्शन अब हमारे पास तो सेकेंड मेकेानिज़म आता है हीमोस्टेसिस का दिस इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के अंदर बेसिकली होता है यह है कि जब भी कोई इंजरी होती है ब्लड वैसल के अंदर सो द ब्लड वैसल कोलेजन विल बी एक्सपोज इस एक्सपोज कोलेजन पर प्लेटलेट्स जो हैं वो आकर बाइंड करती हैं ठीक है बाइंड करने के बाद वहाँ पर ये एडहेरेंस उनकी जो है वो शुरू हो जाती है और ये प्लेटिलेट्स जो हैं ये हमारे पास दो चीज़ें सीक्रीट करती हैं एडिनोसिन डायफॉस्टिट विच इज़ ऑल्सो कोल्ड एज ई और इसके अलावा ये सीक्रीट करती है थ्रॉनबोज ए टू को ये दो सब्सटेंसेस जो हैं जो प्लेटलेट्स सीक्रीट कर रही हैं ये मज़ीद प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं मोर एंड मोर प्लेटिलेट्स विल बी एक्टिवेटेड सो दैट दे कैन एग्रीगेट टुगेदर ऑन द रचर्ड ब्लड वेसल ठीक है उससे क्या होगा प्लेटलेट एडिशन इंक्रीज़ होगी एग्रीगेशन इंक्रीज होगी और इस एग्रीगेशन की जो है वजह से फिर क्या होगा कि वहाँ पर एक हीमोस्टेटिक प्लग जो है वो फॉर्म हो जाएगा टेम्प्ररी प्लेटिलेट प्लग जो है वो वहाँ पर उस ब्लड पैसल पर फॉर्म होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि जो फर्दर ब्लड लॉस है वो हमारे पास प्रिवेंट होगा और जो ये प्लेटिलेट एग्रीगेशन है ये एक्सेलरेट होती है बाय प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर नाउ द थर्ड मकैनिज़म इज़ ब्लड कापोलेशन ब्लड कॉर्कुलेशन के बेसिकली तीन स्टेप्स होते हैं ठीक है इसके अंदर तीन स्टेप्स कौन से होते हैं सबसे पहले हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होगी प्रोथ्रोपि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होने के बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन के अंदर और इसके बाद जो थर्ड हमारे पास स्टेप होता है वो होता है फिपरिन की कन्वर्ट कन्वर्जन होती है फिबरिन के अंदर ताकि जो फिबरिन जो है वो हमारे पास स्टेबल क्लॉट या फिर टाइट ब्लड क्लॉट जो है वो फॉर्म कर सके लेकिन अब एक्सट्रेंसिव पाथवे और इंट्रेंसिक पाथवे ये हमारे पास दो पाथवेज हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है ब्लड काकुलेशन का कि सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेशन होगी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की जब तक वो फॉर्म नहीं होगा आगे का प्रोसेस कैन नॉट प्रोसीड तो सबसे पहला जो प्रोथ्राम्बिन एक्टिवेटर है उसकी फॉर्मेशन होगी आइदर बाय द एक्सफ्रेंसिक पाथवे और बाय द इन्फ्रेंसिक पाथवे इन्फ्रेंसिक पाथवे के अंदर बेसिकली ये होगा कि जब भी कोई इंजरी है उसके रिजल्टेंट में क्या हो रहा है कि प्लेटलेट्स इनिशिएट हो गई हैं और वो प्रोथ्राम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन में हेल्प कर रही हैं मीन्स के प्रोथ्रामबिन की एक्टिवेशन जो है या फॉर्मेशन जो है वो बाय ब्लड हो रही है या बाय प्लेटलेट्स हो रही है तो इसको हम कहेंगे इंट्रेंसिक पाथवे और अगर हमारे पास कोई टिश्यू डैमेज है और टिश्यू डैमेज होने की वजह से वहाँ पर एक थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है फैक्टर वो रिलीज हुआ है ठीक है और थ्रो थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर की रिलीज होने की वजह से हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की इस पाथवे को हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे सबसे पहले अब हम बात करते हैं इंट्रेंसिक पाथवे की एंट्रेंसिक पाथवे के अंदर इनिशियट हो गया है प्रोसेस ठीक है बाय द प्लेटिलेट विल सबसे पहले जो फैक्टर ट्वेल्व है वो हमारे पास कन्वर्ट होगा इन टू द एक्टिवेटेड फॉर्म ये ए जो है ना ये, 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 ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैक्टर इसके बाद हमारे पास जो ये एक्टिवेटेड फॉर्म है ये कन्वर्ट करेगा फैक्टर इलेवन को इन इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म देन ये हमारे पास कन्वर्ट करेगा फैक्टर नाइन को इन इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म अच्छा यहाँ पर जो हमारे पास फैक्टर नाइन है ये हमारे पास जो है ना फैक्टर टेन को गन, आ, एक्टिवेट करेगा लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें इम्पॉटेंट हैं फैक्टर एट और प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आइन्स जब तक इसकी प्रेजेंस नहीं होगी ये जो फैक्टर नाइन है ये कन्वर्ट या फिर हम कह सकते हैं कि एक्टिवेट नहीं करेगा किसको फैक्टर टेन को फैक्टर टेन की जो एक्टिवेशन है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फैक्टर टेन की जो एक्टिवेटेड फॉर्म है ये हमारे पास बाइंड करती है फैक्टर फाइव से और फॉस्फोलिपिड से और बेसिकली यही कॉम्प्लेक्स हमारे पास कहलाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर अब जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमारे पास फॉर्म हो चुका है तो ये प्रोथ्रामबिन को कन्वर्ट करा देता है इंटू थ्राम्बिन और थ्राम्बिन जो है ये एक्ट करता है और कन्वर्ट करता है फिबरिनो को इनटू फिबरिन और फिबरिन क्या करता है ये हमारे पास एक स्टेबल क्लॉट या फिर स्टेबल फिबरिन बनाता है जिसकी वजह से जो ब्लड क्लॉट है वो टाइट ब्लड क्लॉट बन जाता है और जो ब्लड लॉस है वो हमारे पास प्रिवेंट होता है अब अगर हम बात करते हैं एक्सट्रेंसिक पाथवे की तो एक्सट्रेंसिक पाथवे के अंदर हमने बात की कि टिश्यू डैमेज होता है टिश्यू से जो है वो एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये कन्वर्ट करता है फैक्टर टेन को इनटू इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म इसके बाद सिंपल वही सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो होता है ये फैक्टर टेन जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनाता है फैक्टर फाइव के साथ और फॉस्फोलिपिड्स के साथ और क्या करता है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म कर देता है अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म करने के बाद ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है इनटू थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन विल एक्ट एंड कन्वर्ट फिबरिनोजिन इनटू फिबरिन एंड फेबरिन विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल ब्लड प्लॉट अचाब हम बात करते हैं थ्रोम्बोसिस की थ्रोम्बोसिस बेसिकली इज़ द पॉपूलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वैसल और इसकी रिजल्टेंट में जो हमारे पास ब्लड प्लॉट बनता है ब्लड वैसल के अंदर उसको हम कहते हैं थ्रोम्बस ठीक है अब इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लड वैसल के अंदर कोई इंजरी हुई है ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन या फिर कोई मैकेनिकल ऑब्सट्रक्शन हो गई जिसकी वजह से ब्लड वैसल की एंडोथीलियम डैमेज हो गई तो क्या होगा थ्रोम्बोसिस इनिशिएट होगी इसके अलावा जो सेकेंड uh, कॉज है ये रफ़ एंड एंडोथीलियम लाइनिंग अगेन किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर एंडोथीलियम रफ हो गई है ब्लड वैसल की सो दैट विल इनिशिएट द क्लॉटिंग प्रोसेस इसके अलावा अगर ब्लड फ्लो कहीं पर डिक्रीज है किसी पर्सन के अंदर फॉर एग्जांपल इन द रिड्यूस्ड कार्डिक एक्शन पर्सन जिसका कार्डिक फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं है हाइपोटेंशन का अगर कोई पेशेंट है या कोई पेशेंट है जिसका मेटाबॉलिक रेट लो है या कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी प्रोलॉन्ग जो है वो बेड पर है जो ठीक है जो जिसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है प्रोलॉन्ग तो उससे क्या होता है ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है और ये भी हमारे पास क्लॉटिंग को या थ्रोम्बोसिस को इनिशिएट कर सकता है इसके अलावा एक प्रोटीन होता है प्रोटीन सी प्रोटीन सी की अगर किसी पेशेंट के अंदर डेफिशिएंसी है तो ये हमारे पास थ्रोम्बोसिस को जो है कॉज करेगा या इनिशिएट करेगा और ये इन्फेंसी में ही जो है वो डेथ कॉज कर सकता है क्योंकि प्रोटीन सी जो है ना सर्कुलेटिंग हमारी बॉडी का ख़ुद का एंटी एंटीकॉबुलेंट है जो कि डिफरेंट फैक्टर्स को इनएक्टिवेट कर देता है फैक्टर फाइव को और फैक्टर टेन को ताकि जो एब नॉर्मल थ्रोम्बोसिस है वो ना हो लेकिन इस प्रोटीन की एब्सेंस में क्या होगा कि थ्रोम्बोसिस बहुत ज़्यादा होगी ज़ाहिर सी बात है वो स्टॉप नहीं होगी तो उसकी वजह से इन्फेंसी में ही डेथ जो है वो हो जाती है अच्छा इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है थ्रोम्बोसिस की सबसे पहले तो हम दो इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं थ्रोम्बस वर्सेस एम्बोलिज्म थ्रोम्बस की तो हमने बात कर ली कि क्या होगा ब्लड वेसल के अंदर जो क्लॉट फॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बस लेकिन अगर वो थ्रोम्बस उस ब्लड वेसल से रप्चर होकर रप्चर हो गया और वो ब्लड में आ गया ठीक है तो अब वो किसी भी ब्लड वैसल को छोटी ब्लड वैसन को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है इसको हम कहेंगे एम्बोलाए और इसको आ, जो वो वहाँ से रप्चर हो गए कहीं और अगर ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो उसको हम कहेंगे एम्बोलिज्म फॉर एग्जाम्पल अगर उसने किसी लंग की ब्लड वैसन को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो हम उस कंडीशन को कहेंगे पलमुनरी एम्बोलिज्म अगर ब्रेन की कोई ब्लड वैसल ऑप्ल्यूट हो गई आ, बिकॉज ऑफ़ दिस एम्बोलाए तो हम उसको कहेंगे सेरेब्रल एम्बोलिज्म अगर हार्ट की कोई ब्लड वैसल ऑब्सलप्ट हो गई so that is called coronary embolism. तो दैट इज़ कॉल्ड कोरोनारी एम्बोलिज्म तो देखा आपने कि किस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह भी साबित हो सकता है ये जो हमारे पास थ्राम्बस है या फिर एम्बोलाए है अच्छा ऐसी कॉम्प्लिकेशनस में क्या है इस्टीमिया कॉज कर सकता है नेक्रोसिस एंड इन्फार्क्शन इस्कीमिया मीन्स कि हाइपोक्सिया की वजह से टिश्यू डैमेज हो जाएगा और नेक्रोसिस एंड इन्फार्क्शन मतलब यही है कि नेक्रोसिस मींस के टिश्यू डेथ होगी और इन्फार्शन बेसिकली हम कहते हैं टिश्यू डेथ ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई जाहिर सी बात है जब किसी वेसल के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होगा प्रॉपर तो जो उसका रेलिवेंट टिश्यू एरिया है जहाँ पर उसने ब्लड सप्लाई करना है वहाँ पर सफिशेंट uh, जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो एट लास्ट वो एरिया क्या हो जाएगा वो इन्फार्ट हो जाएगा उसकी टिश्यू की जो है वो डेथ हो जाएगी सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थ्रोम्बोसिस अब उसके बाद हम कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की बात करें जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है हीमोफीलिया हीमोफीलिया वी ऑल नो दैट इट इज़ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर जिसके अंदर क्लॉटिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग होगा जिसकी वजह से अगर माइल्ड ट्रॉमा भी किस उस पेशेंट को हुआ है तो एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा बंदे की डेथ भी हो सकती है ठीक है अच्छा इसके अलावा इसकी, इसकी टाइप्स भी होती है हीमोफीलिया की हीमोफीलिया ए के अंदर जिसको हम क्लासिक हीमोफीलिया भी कहते हैं फैक्टर एट की डेफिशिएंसी होगी ठीक है और 85 परसेंट ऑफ पीपल विथ हीमोफीलिया आर इफेक्टेड बाय दिस टाइप मिट इज़ हीमोफीलिया ए अच्छा हीमोफीलिया बी और क्रिसमस डिजीज ठीक है इसका दूसरा नाम है क्रिसमस डिजीज़ ये होता है ड्यू टू द डेफिशेंसी ऑफ फैक्टर नाइन अब सारे फैक्टर्स का हम जो है रोल पीछे पड़ चुके हैं तो नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज फैक्टर्स इसके बाद फैक्टर जो एलेवन की डेफिशिएंसी है अगर फैक्टर एलेवन की डेफिशिएंसी हो गई है किसी पेशेंट के अंदर तो उसको हीमोफीलिया सी होगा और यह रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है सिम्टम्स क्या होंगे हीमोफीलिया की स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी अगर छोटा सा रिकट लग गया है या फिर किसी का टूथ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हुआ है कोई सर्जरी हुई है ठीक है तो उसमें प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी इसके अलावा जी आई ट्रैप में या यूरिनरी ट्रैक्ट में हेमरेज भी हो सकता है ब्लीडिंग जॉइंट्स में भी हो सकती है जिसकी वजह से जो जॉइंट्स हैं वो स्वेल होंगे स्वेलिंग होगी वहाँ पर और पेन भी होगा इसके अलावा जो यूरिन है उसमें ब्लड की अपेयरेंस भी हो सकती है इसके बाद जो सेकेंड डिजीज़ है ये हमारे पास है परप्यूरा परप्यूरा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ होगा बहुत ज़्यादा ठीक है अच्छा इसमें क्लॉटिंग टाइम हमारे पास नॉर्मल होगा इसके भी हमारे पास जो है ना वो तीन टाइप्स हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटिलेट्स ठीक है अगर कि कोई बोन मैरो डिजीज है तो उसमें प्लेटिलेट की प्रोडक्शन जो है वो कम है जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटिलेट हो जाएगी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा इसके अंदर आ, प्लेटिलेट काउंट डिक्रीज होता है क्योंकि बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडीज जो है ना प्लेटिलेट के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो गई होती हैं तो वो क्या करती है प्लेटिलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं जिसकी वजह से क्या होता है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा दैन हमारे पास जो लास्ट है थ्रोम्बोस थ्रोम्बास्टेनिक परप्यूरा इसके अंदर जो प्लेटिलेट है उसकी या तो कोई फंक्शनली एबनॉमिलिटी होगी या फिर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मिलिटी होगी ठीक है अच्छा इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टिथीज है दैट इज़ वॉन विलब्रेंड डिजीज़ इसके अंदर वॉन विलब्रेंड जो फैक्टर होता है वो डेफिशियट होता है ठीक है और ये प्रोटीन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल था फॉर द एडियरेंस ऑफ प्लेटिलेट्स टू तो एंडोथीलियम जो हमने बात की अपने प्लेटिलेट प्लग फॉर्मेशन के मैकेज़म में आ, जो भी हमारे पास एडियरेंस हो रही है प्लेटिलेट की उसके अंदर ये फैक्टर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है तो अगर ये फैक्टर ही नहीं होगा तो प्लेटलेट की एवेरेंस नहीं होगी एंड दैट विल लीड टू द दिन डिजीज अच्छा अब बात कर लेते हैं असाइनमेंट की आज की जो है वो सारे टॉपिक्स हमने कवर किए प्लेटलेट्स की हमने बात की इसके बाद जो ब्लड कॉम्बुलेशन के डिफरेंट मैकेजम्स थे उसकी हमने बात की दैन आखिर में हमने डिसऑर्डर्स की बात की तो आपका असाइनमेंट डिसऑर्डर uh, से रिलेटेड ही है आपने uh, जो है ये पढ़ना है कि वॉट इज ग्लैंड मैंस फ्राम वेस्ट ठीक है और देन ये आपने असाइनमेंट सबमिट करना है आई होप कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको ईजी uh, वे में जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ सो दैट्स ऑल थैंक यू सो मच्लाहफ़